नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी प्रावधिक शिक्षा भर्ती के नोटिफिकेशन पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सेमेस्टर सिस्टम पर, यूपी के डिजिटल लेन देन के रिकॉर्ड पर और अंत में बात होगी पैरामेडिकल स्टाफ की होने वाली भर्तियों पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 21 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुकी है, जिसमें 45 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इन भर्ती के लिए 22 जनवरी 2024 तक आवेदन किया जा सकेगा। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन में सुधार या संशोधन की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 है। जिन अभ्यर्थियों ने 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। उच्च शिक्षा की तरह अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना बनाई जा रही है। बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है और एक साथ उन्हें साल भर की पढ़ाई करनी होती है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े छात्रों पर अब पढ़ाई का बोझ कम होगा। नए सत्र से 9वीं से 12वीं कक्षा तक कुल 8 सेमेस्टर में पढ़ाई और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यही नहीं, विज्ञान, कला व वाणिज्य वर्ग को समाप्त कर एक ही वर्ग का कोर्स चलाया जाएगा, जिनमें बोर्ड के सभी विषय शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों को पढ़ाई में सहूलियत मिले, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग अब सेमेस्टर सिस्टम में बोर्ड की परीक्षा लेगा, ताकि परीक्षा के लिए छात्र बेहतर तैयारी कर सकें। शिक्षा विभाग के मुताबिक सेमेस्टर में 50 नंबर के सवाल प्रयोगात्मक होंगे। इनमें से 20 अंक के सवालों के जवाब ओएमआर शीट पर देने होंगे, वहीं 50 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में भी सवालों में विकल्प दिए जाएंगे। राजधानी में हेरिटेज जोन की इमारतें और आवास अब एक रंग में नजर आएंगे। कैसरबाग, लालबाग समेत आसपास के इलाके भी अब हजरतगंज की तरह नजर आएंगे। एलडीए की बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए भवनों के आवंटन में पात्र विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। इसके अंतर्गत विस्थापितों को मात्र 5,000 रुपए पंजीकरण धनराशि जमा करने पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत भवन का कब्जा दे दिया जाएगा, जबकि शेष धनराशि 10 साल की आसान किस्तों में देनी होगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर विस्थापितों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी के धार्मिक डेस्टिनेशन अयोध्या, बनारस और प्रयागराज में नए साल की छुट्टियां मनाने वालों की होड़ लगी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका से यहां लोग आने के लिए बुकिंग करवा रहे हैं। इस साल 150 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक अयोध्या काशी डेवलप होने के बाद टूरिज्म भी बढ़ते जा रहे हैं। इनमें साउथ से आने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। सागा वेकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अनुराग श्रीवास्तव बताते हैं कि अयोध्या और बनारस घूमने आने वालों में साल 2019 के बाद कमी आई थी, लेकिन साल 2024 की बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 100% से ज्यादा ग्रोथ है। ये यूपी की ट्रैवल इंडस्ट्री और पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छा माना जा रहा है। उनका कहना है कि पहले केरल, तमिलनाडु से यूपी घूमने आने वाले कम ही संपर्क करते थे, लेकिन इस बार अच्छी बुकिंग मिल रही है। डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। केवल एक साल में डिजिटल लेन देन की रफ्तार करीब 3 गुना हो गई है। 5 साल की बात करें तो यूपी वालों ने 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन में यूपी का देश में 4वां स्थान है। सबसे खास बात तो ये है कि नगद लेन देन में भी बढ़ोतरी हुई है और नोटबंदी के बाद करेंसी भी दुगना हो गई है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के मुताबिक पिछले साल 426.68 करोड़ डिजिटल लेन देन यूपी में हुए थे। इस साल ये संख्या बढ़कर 1,174.32 करोड़ हो गई। एक साल की ये तेजी कोरोना काल से भी ज्यादा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसी को देखते हुए यूपी के आबकारी मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। रामनगरी अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। पहले से मौजूद सभी दुकानों को हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मिलने पहुंचे थे। ईद के दौरान उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर क्षेत्र को पहले से ही मदिरा मुक्त किया जा चुका है। अब 84 कोशी परिक्रमा क्षेत्र से शराब की सभी दुकानें हटाई जाएंगी। आबकारी मंत्री ने साफ कहा है कि ये प्रतिबंध पूरे अयोध्या महानगर क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल 84 कोशी परिक्रमा क्षेत्र में लागू होगा।
पान मसाला और गुटखा का प्रचार करने वाले क्रिकेटर्स को लखनऊ के एडवोकेट मोतीलाल यादव ने नोटिस भेजा है। वकील ने नोटिस भेजते हुए ये जवाब भी मांगा कि आखिर क्यों आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गुटखा पान मसाला का प्रचार करके आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसका सामाजिक स्तर पर बहुत असर पड़ता है। क्रिकेटर्स कपिल देव, सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग को लीगल नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। वकील के अनुसार पद्मश्री पद्म भूषण लेने वाले फिल्म स्टार के द्वारा पान मसाला और गुटखा का प्रचार करने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर करने वाले ने अब क्रिकेटर्स को लीगल नोटिस भेजा है। देश के 85 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें रेल यात्रियों को बाजार से कम कीमत पर जेनरिक दवाएं मिलेंगी। 24 घंटे संचालित होने वाले इस केंद्र का आसपास रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में बनारस स्टेशन को भी शामिल किया गया है। जन औषधि केंद्र खुलने से बनारस स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन जाएगा। बता दें कि बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बन रहे केंद्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहां फिनिशिंग का काम चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इसी महीने केंद्र शुरू हो जाएगा। पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला यूपी अब देश का पहला राज्य बन गया है। 2023 और 24 में नवंबर तक यूपी में पीक आवर्स में सबसे अधिक 28,284 मेगावाट बिजली की सप्लाई कर देश का शीर्ष राज्य बन गया है। बता दें कि अब तक रिकॉर्ड महाराष्ट्र के नाम दर्ज था। ये जानकारी उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा द्वारा 19 दिसंबर को राज्यसभा के पटल पर रखी गई। उन्होंने बताया है कि पीक आवर्स में 2020 और 21 और 2022 और 23 में महाराष्ट्र पहले नंबर पर था, जो कि अब दूसरे नंबर पर आ गया है। 8 जिलों में अत्याधुनिक पोस्टमार्टम हाउस शुरू करने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के 112 पद सृजित किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक पोस्टमार्टम हाउस के लिए 14-14 चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित किए हैं। अब इन पदों पर भर्ती के बाद जल्द ये अत्याधुनिक पोस्टमार्टम हाउस शुरू होंगे और शवों के पोस्टमार्टम के काम में तेजी आएगी। जिन जिलों में ये अत्याधुनिक पोस्टमार्टम हाउस शुरू करने के लिए पदों का सृजन किया गया है, उनमें कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, हाथरस, जौनपुर व लखनऊ जिले शामिल हैं। प्रत्येक पोस्टमार्टम हाउस को चलाने के लिए एमडी फॉरेंसिक की अहर्ता रखने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर, फार्मासिस्ट व डॉक्टर के दो दो, चौकीदार व सफाई कर्मी के 5 पद और एक्सरे टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर व वीडियोग्राफर कम फोटोग्राफर के एक एक पद का सृजन किया गया है। तो आज की यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।